आज हम बनाएंगे गाजर और मूली का अचार। उसके लिए मैंने 1 किलो गाजर लिए, जिसको अच्छे से वॉश करके ऐसे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 1/2 किलो लिया है मूली। मूली को भी अच्छे से धुल के ऐसे लंबे टुकड़े में कट कर लेंगे हम। एंड उसके बाद मैं एक डिब्बा लूँगी, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। तो इसमें हम पहले डालेंगे मूली। तो यहाँ पहले हम सारी मूली डाल देंगे इसमें। मूली डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी। ये मैंने ऑर्गेनिक हल्दी ली है, आप कोई भी हल्दी यूज कर सकते हो। हल्दी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद मैं इसमें गाजर ऐड कर दूंगी, सारी गाजर जो 1 किलो वो डाल दूंगी। गाइस, ये अचार बिना प्रिजर्वेटिव और बिना केमिकल के बनेगा, जो कि आपका 1-2 महीने तक आराम से चल सकता है। तो ये मैंने गाजर भी ऐड कर दिया है। तो मैंने इसमें सारी गाजर डाल दिया है। गाजर डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। गाइस, हमें इसको अच्छे से मिलाना है और हमें इसको सारी रात ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो हमें पानी पूरा इसका निकाल के इसको 3 से 4 घंटे धूप में सुखाना है। तो गाइस देखिए, सूखने के बाद ऐसा दिखेगा। ये अब कम्प्लीटली सूख चुका है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। ये पीली सरसों और सौंफ है, जिसको मैंने हल्का सा गरम करके दरदरा पीस लिया है। तो अब हम ये इसमें मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच नमक। गाइस, मैं फिर से नमक इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि जब पानी छोड़ता है तो उसमें नमक पूरा निकल जाता है। और इसमें हम अब लाल मिर्ची ऐड करेंगे, आप स्वाद अनुसार लाल मिर्ची ऐड कर लेना। और हम इसमें अब डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। अचार में हमेशा हम मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करते हैं, कोई ऑयल और ऑयल नहीं ऐड करते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको मिक्स करने के बाद आपको किसी एयर टाइट कंटेनर, प्लास्टिक का कोई हो या तो कांच के जार में, धूप में इसको 3 दिन तक रखना है, 3 से 4 दिन तक। एंड उसके बाद ये पक जाएगा, तो फिर आप इसको खा सकते हैं। और गाइस, ये अचार आपका अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो मिनिमम 1 ईयर तो चलेगा ही चलेगा। हाय गाइस, तो 3 दिन के बाद ये गाजर मूली का अचार रेडी हो गया है। आप इसको खाने के साथ पराठा और पूरी के साथ खा सकते हो, और आप चाहे तो सिंपल गाजर का अचार भी यही इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।